एक्टर की इमेज पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा वो एक्टर लगता है कि एक बार फिर हिम्मत कर रिटर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं एक्टिंग की दुनिया में। बात की जा रही है क्रांति वीर यशवंत वजूद जैसी फिल्म्स में नजर आए एक्टर नाना पाटेकर जी की, जहां लास्ट कुछ मंथ्स में ये न्यूज थी कि नाना सोशल थ्रिलर फिल्म दी कन्फेशन से बॉलीवुड में कमबैक लेंगे, तो वही अब एक और अपडेट सामने आ रही है। दरअसल नाना ने एक और प्रोजेक्ट पर दे दी है अपनी कन्फर्मेशन, यानी अब नाना के पास हैं बॉलीवुड के 2 प्रोजेक्ट्स। आपको बता दें 2 to 3 इयर्स पहले ये रूमर्स थी कि नाना कोलैबोरेट करेंगे फिल्म मेकर प्रकाश झा जी के साथ वेब सीरीज आश्रम के लिए, फिर वहाँ बॉबी देओल को देखा जाने लगा, तो वहीं अब नाना किसी दूसरे प्रोजेक्ट से कोलैबोरेट करने जा रहे हैं मिस्टर झा के साथ। जी हाँ, ये एक वेब सीरीज होगी जहाँ नाना को देखा जाएगा। सोर्सेस की माने तो सीरीज का टाइटल बताया जा रहा है लाल बत्ती, जो कि एक सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा होगा, जिस पर नाना ने खुद कंफर्मेशन देते हुए कहा है यस आई एम डूइंग इट। अब अगर उनके नजर आने वाले करेक्टर की बात की जाए तो पाटेकर जी प्ले करेंगे एक पॉलिटिशियन का रोल एंड दिस सीरीज विल एक्सपोज द डार्क पेजेस ऑफ पॉलिटिक्स। वैसे आपको बता दें ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा कि नाना और प्रकाश जी एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। 2010 में रिलीज हुई पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म राजनीति में भी नाना को एस ब्रिज गोपाल देखा गया था, जहां उनके साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए थे अजय देवगन, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ, अर्जुन रामपाल जैसे कई स्टार्स। मिस्टर पाटेकर को लास्ट हिंदी सिनेमा में रोमांटिक ड्रामा फिल्म वेडिंग एनिवर्सरी में देखा गया था, विच वॉज रिलीज इन 2017, और उसके बाद वो तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म काला में नजर आए इन ईयर 2018, और अब कॉन्ट्रोवर्सी एंड बिग ब्रेक के बाद उन्हें एक बार फिर देखा जाएगा स्क्रीन पर। वेल, अब पहले नाना को दी कन्फेशन में देखा जाता है या फिर लाल बत्ती में, ये तो वक्त ही बताएगा। बट टिल देन फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड अपडेट्स कीप वॉचिंग गूगल बॉ